यहाँ से इसको स्टार्ट किया, तो भाई ये देखो गाड़ी जो है वो अभी जंप कर रही है भाई, आपको दिख रहा होगा वीडियो में भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मर्सिडीज़ GLS 600 मेबैक के बारे में। और आप जानते हैं कि मेबैक जो वर्ड है ये बेसिकली जाना जाता है अपनी लग्जरी के लिए, और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे इस लग्जरी SUV के बारे में और आपको बताएंगे कि क्या कुछ फ़ीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो शुरुआत इसके कलर ऑप्शन से मैं करता हूँ। टोटल आपको यहाँ पे 8 कलर ऑप्शंस मिलेंगे। सामने जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर है, और ब्लैक कलर के अंदर इस SUV की जो लुक है वो अलग ही लेवल की है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे लग रही है। इसके अलावा आपको दो शेड ब्लू के मिल जाएंगे, एक आपको वाइट कलर यहाँ पे मिलेगा मोहावे सिल्वर, और एक आपको रेगुलर सिल्वर मिल जाएगा। ग्रे कलर आपको मिलेगा और साथ में आपको ग्रीन कलर। तो टोटल ये 8 कलर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसके साथ ही आपको एक्सक्लूसिव पेंट ऑप्शंस भी मिलते हैं, जहाँ पर आपको ड्यूल टोन के ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो वहाँ से भी आप उन पेंट ऑप्शन से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको एक डायमंड वाइट कलर मिल जाएगा और एक आपको रेड कलर मिल जाएगा। तो ये सारे कलर ऑप्शंस आपको इस मेबैक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप मर्सिडीज़ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो जो बर्कले मोटर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने लिए अपनी फेवरेट मर्सिडीज़ कार के बारे में फुल डिटेल्स जो हैं आप ले पाएंगे। तो आइए अब जान लेते हैं इस कार के फीचर्स के बारे में। तो शुरुआत कार की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे मिलेगी। इधर की तरफ आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग क्लोजिंग के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो आपको दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो की भी जो फील है भाई वो बड़ी अच्छी आपको लगने वाली है। अब इस गाड़ी को आप देखिए तो विड्थ जो है कार की वो काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है। 2157 mm इस कार की विड्थ रखी गई है। सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट ग्रिल जब आप देखते हैं तो काफ़ी बड़ा आपको मैसिव ग्रिल यहाँ पे दिखाई देगा। वर्टिकल लाइंस आपको देखने को मिल जाएंगी और क्रोम का यूजेज़ आपको दे दिया गया है। यहाँ पर आपको मेबैक का बैस देखने को मिल जाएगा और ऊपर की तरफ आपको मर्सिडीज़ का जो लोगो है वो दिखाई देगा। ये आपको मिल जाएगा इसका फ्रंट कैमरा यूनिट, क्योंकि यहाँ पर 360° कैमरा जो है आपको ऑफर किया गया है। साथ में आपको रडार भी ऑफर कर दिया गया है। सामने की तरफ आपको टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको प्रॉपर जो स्पेस है वो दिया गया है बेसिकली एयर सर्कुलेशन के लिए। और यहाँ पे जो ग्रिल आप देख रहे हैं ये भी क्रोम का यूजेस आपको देखने को मिल जाएगा, और जो लोअर पार्ट है यहाँ पे भी आपको क्रोम का यूजेस दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो लुक्स हैं इस गाड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे लगते हैं, और प्रॉपर स्पेस वगैरह दिया गया है बेसिकली एयर फ्लो के लिए। हेडलैम्प यूनिट आप इस गाड़ी का देखिए तो यहाँ पे कंप्लीट LED सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको DRLs यहाँ पे दिए गए हैं, और ये आपको मेन इसका जो लाइट है वो यहाँ पे मिल जाता है। और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी जो LEDs हैं 80+ LEDs आपको यहाँ पे मिलती है। ऑटो हाई बीम असिस्ट प्लस आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप इसको हाई बीम पे रखिए और ऑटोमेटिकली ये जो बीम है वो मैनेज करता रहेगा सामने से जो अपकमिंग जो ट्रैफिक आ रहा है उनके अकॉर्डिंग, ताकि उनको भी कोई परेशानी ना हो। और इस लाइट को आप बोल सकते हैं कि बेस्ट इन इंडस्ट्री लाइट है ये, क्योंकि इसका जो थ्रो है 650 मीटर्स जो है इसका थ्रो रहने वाला है। यहाँ पे आपको मर्सिडीज़ का लोगो जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो इस लाइट की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। इंजन हुड भी जब आप इसका देखते हैं तो इंजन हुड को भी प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है, जो आप कर्व्स देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो गाड़ी की लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको लगने वाली हैं। बिल्कुल ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैमराज जो है वो दे दिए गए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर अडास फीचर्स जो हैं वो भी मिलने वाले हैं। अब एक बार इस गाड़ी को साइड से आप देखिए तो ओवरऑल जो इस गाड़ी की लेंथ है वो अबव 5 मीटर्स है। तो इसकी जो लेंथ रखी गई है 5205 mm आपको यहाँ पे लेंथ मिलेगी। सबसे पहले इस गाड़ी का टायर साइज़ आप देखिए, तो रियर वाला टायर आपको पहले मैं दिखाता हूँ। तो जब इसका टायर साइज़ आप देखेंगे तो ये 22 inches का आपको मल्टी स्पोक अलॉय व्हील जो है देखने को मिल जाएगा। मर्सिडीज़ का लोगो और मेबैक का बैज आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आपको मिलती है फ्रंट में भी और रियर में भी। और जो टायर प्रोफाइल है भाई वो काफ़ी मैसिव है, 325/40 आपको टायर प्रोफाइल मिलेगा। रियर टायर इस वजह से दिखाया ताकि आप इसकी विड्थ देख सकें, तो विड्थ आप देखिए कितना ज़्यादा वाइड ये जो टायर है रहने वाला है। तो टायर का साइज़ भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। अब एक बार इसके ओवरव्यूम्स आप यहाँ पे देखिए तो ओवरव्यूम्स जो है आपको बॉडी कलर मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं, ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये कैमरा जो 360 डिग्री कैमरा का पार्ट है, और ये आपको लोगो प्रोजेक्शन यहाँ पर दिया गया है जो
मर्सिडीज मेबैक का जो लोगो है उसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करता है। रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा विजिबली आपको रहने वाला है। ओवरऑल साइड में भी आपको क्रोम पैकेज जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे इस बी पिलर पे भी आपको क्रोम का वर्क दिखाई देगा, हैंडल्स पे भी आपको क्रोम का यूजर्स यहाँ पे दिखाई देगा। सेंसर्स आपको मिलते हैं यहाँ से, लॉक अनलॉक आप इनको कर पाएंगे, और ये सभी फोर डोर्स पे जो हैं आपको ऑफर किए गए हैं। उसके बाद इन ग्लासेस का साइज़ भी जब आप देखेंगे तो ओवरऑल जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रखा गया है, जिसकी वजह से अंदर जो लाइट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से जाएगी। और उसके साथ ही आपको एक फ़ीचर मिलता है, अगर आप इस लॉक को प्रेस करके रखेंगे तो जो अंदर के जो ब्लाइंड्स है, ये जो ब्लाइंड्स है ये बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी ब्लाइंड है और यहाँ पे भी आपको ये ब्लाइंड्स मिलते हैं, और इनको नीचे करना है तो अनलॉक प्रेस करके रखिएगा और ये जो ब्लाइंड्स है ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ भी चले जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं, फंक्शनल रूफ रेल्स आपको मिलेंगे। ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल है वो भी इस कार के काफ़ी बेहतर लगते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मर्सिडीज मेबैक का लोगो, और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 19+9 आपको मिलता है, 9 रिजर्व के लिए, तो टोटल 99 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है। अब इसका साइड रनिंग बोर्ड भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्रोम यूजर्स जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात क्या है कि जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये फुटरेस्ट जब आप देखेंगे तो फुटरेस्ट की जो विड्थ है सामने की तरफ थोड़ा आपको कम मिलेगा, तो इस तरह से आप कंफर्टेबली अंदर एंटर कर पाएंगे। लेकिन जब रियर में आप देखेंगे ना तो रियर में इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। आप देख सकते हैं आपका पूरा पैर जो है यहाँ प्रॉपरली आ जाएगा, तो आप आराम से कंफर्टेबली अंदर एंटर कर सकते हैं और एग्ज़िट कर पाएंगे। और काफ़ी स्मूथ जो है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है, और ये प्रॉपर जो है अंदर की तरफ फिट हो जाता है। ये आप देखें तो इस तरह से ये अंदर की तरफ चला जाएगा, और काफ़ी अच्छे से इसको जो है यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। सो ये कुछ आपने इसका साइड प्रोफाइल देख लिया, अब एक बार इसका रियर लुक भी आप देखिए। सो जो रियर लुक्स हैं कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेटेड स्पॉयलर मिल जाएगा विद हाई माउंट स्टॉप लैंप। रियर शील्ड पे आपको वाइपर, वॉशर, डिफोगर वो सब ऑफर कर दिया गया है। इधर की तरफ आपको मेबैक का बैज, मर्सिडीज का लोगो, और इधर की तरफ GLS 600 आपको लिखा दिखाई देगा। और रियर जो टेल लाइट्स है ये भी आपको अडेप्टिव यहाँ पे मिलती है। ऑल LED सेटअप आपको यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि इनकी जो इंटेंसिटी है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है ये लाइट कंडीशन के हिसाब से, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। बैक लाइट, टर्न इंडिकेटर्स वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, और क्रोम का ट्रीटमेंट जो है आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये क्रोम वर्क यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको क्रोम वर्क ऑफर जो है वो कर दिया गया है। रियर में आपको ये सेंसर्स मिल जाएंगे, तो रिवर्स पार्किंग में जो आपकी अगेन यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद जब आपके इसके एग्जॉस्ट टिप्स देखते हैं तो इधर की तरफ भी आपको एग्जॉस्ट मिलेंगे और उस तरफ भी, तो आपको एग्जॉस्ट टिप्स जो है वो ऑफर किए गए हैं। अब एक बार मैं इसका बूट भी आपको दिखा देता हूँ। सो की से भी आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं, और सामने की तरफ भी आपको जो है इस पे कंट्रोल मिल जाते हैं। तो बूट स्पेस आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। अभी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको रेफ्रिजरेटर मिलता है, तो ये यूनिट यहाँ पे आ रही है, तो बूट स्पेस को आप साइड से जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे स्पेयर व्हील जो है वो माउंटेड नहीं है। अगर आप स्पेयर व्हील भी कंसिडर करते हैं तो उसकी पोजिशनिंग जो है वो कुछ इस तरह से रहने वाली है, आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे स्पेस आपको ये मिल जाता है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कुछ ये स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे टूल किट वगैरह जो है वो आपकी रखी गई है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये हाइट एडजस्टमेंट के लिए है, बेसिकली सस्पेंशन आपको एयरमेटिक मिलता है तो उसकी हाइट आप एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है ये बूट लैंप ऑफर कर दिए गए हैं, इस तरफ भी मिलेगा उस तरफ भी, जो रात में आपकी हेल्प करने वाला है। हुक्स आपको मिल जाएंगे, नेट वगैरह आप लगाना चाहे तो वो आप यहाँ पे लगा पाएंगे। अंदर की तरफ भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मर्सिडीज मेबैक का लोगो आपको दिखाई देगा, और ये आपको कुछ लाइट मिलती है। बेसिकली ये नीचे की तरफ से जो है इसको येलो रखा गया है, और ऊपर की तरफ से रेड है, तो पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है उनको दिखाई देगा। ये आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसकी हाइट को लॉक करना चाहते हैं तो लॉक कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको क्लोज कर पाएंगे, और की से भी आप इसको जो है क्लोज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी रियर सीट पे जो है वो ले चलता हूँ, उस तरफ की रियर सीट पे हम चलते हैं, क्योंकि सोफर पैकेज भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो सबसे अच्छा आप ये देखिए कि मुझे फुटरेस्ट जो है इसका जो निकल के आता है, और उसकी विड्थ जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई, तो आप कंफर्टेबली अंदर की तरफ एंटर जो है कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस डोर को यहाँ पे देख लीजिए, तो जो डोर ट्रिम्स हैं हर जगह आपको जो है सॉफ्ट टच दिखाई देगा। कुछ एक जगह आपको ये जो है वुडन फिनिश दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम जो है बर्मस्टर का आपको यहाँ पे
मिल जाता है। टोटल 13 स्पीकर्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। ये आपको यहाँ पे वेंटिलेशन और हीटिंग का ऑप्शन मिलता है, और ये है बेसिकली क्योंकि यहाँ पे बैठ के आप सामने वाली सीट को भी एडजस्ट कर पाएंगे। ये सारे आपको एडजस्टमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। मेमोरी सेट भी आपको ऑफर किया गया है। कुछ एक कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो ये लॉक अनलॉक के लिए, और ये आपका सनरूफ की शेड रिमूव करने के लिए, और कर्टन्स को अप डाउन करने के लिए। दोनों साइड के कर्टन्स आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस दे दिया गया है, बोतल वगैरह आप रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको स्पीकर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ये लाइट दे दी गई है। अब एक बार अंदर का कंफर्ट भी आप देखिए। सो आप इसके अंदर जब एंटर करेंगे तो जो सीट्स हैं भाई वो कंफर्टेबल है। डोर क्लोज कर लेता हूँ। सॉफ्ट क्लोज ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे मिलता है, और उसके साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ना आर्मरेस्ट, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो ये आर्मरेस्ट यहाँ पे भी है, तो आपके कंफर्ट को काफ़ी जो है ये इंक्रीज यहाँ पे कर देता है। आप इसको क्लोज करिए तो कंफर्ट जो है आपका अलग ही लेवल पे यहाँ पे रहने वाला है। सीट्स जो हैं अपने अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे सामने वाली जो सीट है उसको एडजस्ट करना है, तो मैंने ये एक्टिवेट कर दिया। अब जो सामने वाली सीट है वो यहाँ से एडजस्ट हो रही है, आप देख रहे हैं ना सामने की तरफ जा रही है। तो जो ये लेग रूम है ये इंक्रीज हो रहा है, और मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा तो उसके बाद मेरी सीट की एडजस्टमेंट जो है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, और जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेदर सीट्स आपको यहाँ पे ऑफर कर दी गई हैं। उसके बाद ये पार्ट जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक टच स्क्रीन टैबलेट जो है दे दिया गया है। ये रिमूवेबल है, आप इसको रिमूव करके अलग से यूज़ करना चाहें तो अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इजेक्ट आप इसको कर पाएंगे, ये ऑन ऑफ के लिए, और ये टच आपको मिलती है। तो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, तो आप मोबाइल वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपको दो सी टाइप पोर्ट इधर की तरफ और दो सी टाइप पोर्ट इधर की तरफ, तो टोटल चार सी टाइप पोर्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा जब आप यहाँ पे देखेंगे तो दो कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और इन कप होल्डर्स का जो टेम्परेचर है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ एक स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है, और ये कंप्लीट जो है क्लोज यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जब ये पार्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो एसी है वो 4 जोन AC मिलता है, तो सामने 2 जोन सामने की तरफ और 2 जोन पीछे की तरफ, तो 4 जोन AC आपको यहाँ पे मिलेगा। सारी सेटिंग्स जो हैं वो आप इस AC की यहाँ से कर पाएंगे। 2 AC वेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, और साइड में भी आपको AC वेंट्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये कॉट हुक दे दिया गया है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी स्पीकर AC वेंट्स यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे लाइट्स दे दी गई हैं। रेगुलर आपको लाइट्स यहाँ पे मिलने वाली है, और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगेन एक हुक, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस लाइट को जब आप देखेंगे ना तो लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है। आप इसको जब ओपन अगर कर देते हैं तो ये आप देखिए ये अलग अलग ऑन होती है, तो ओवरऑल जो लाइट्स हैं ना ये इनकी क्वालिटी भाई अलग ही लेवल की है, और मज़ा आ जाता है इनको देख के। उसके बाद यहाँ पे भी आपको रियर सीट पे इंटरटेनमेंट जो है वो मिल जाता है, इस तरफ भी और उस तरफ भी आपको इंटरटेनमेंट मिल जाएगा, तो आप इसको भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारा कंट्रोल्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओवरऑल जो क्वालिटी है इनकी, टच जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। एंड देन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये फाइल वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस दिया गया है। यहाँ पे भी आपको लोगो जो है मर्सिडीज़ मेबैक का वो देखने को मिल जाएगा। और अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जब आप देखेंगे, इसको ओपन आप कर लीजिए, तो इसके अंदर आपको रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑफ़र किया गया है। सो यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ ये स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, 2 शैम्पेन की बोटल्स और ऊपर एक वाटर बोतल जो है आप कंफर्टेबली यहाँ पे रख पाएंगे। तो ये स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ से इसकी जो एडजस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं। और हेडरेस्ट जब आप देखेंगे तो ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं, और इनको एडजस्ट करने के लिए आपको जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ से आप इसके हेडरेस्ट जो हैं उनको एडजस्ट कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ से मैं जब एडजस्ट करूँगा तो इस तरह से आप इसके हेडरेस्ट को एडजस्ट जो है कर सकते हैं। सो ये कुछ था इसका रियर कंफर्ट, और रियर में जो सीट्स हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको यहाँ पे
मिलने वाली है, स्पेस आपको भरपूर यहाँ पे ऑफर किया गया है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पैनोरमिक सनरूफ भी आपको मिलती है, तो बाहर का व्यू जो है उसका भी आप मज़ा ले पाएंगे। ये जो मैं आपको बता रहा था ब्लाइंड्स, तो इनसे आप ब्लाइंड्स जो है वो ओपन क्लोज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी जो है ड्राइवर सीट पर ले चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर भी जब आप देखेंगे ना, तो ये मेबैक का जो आपको मिल रहा है, डोर सील्स जो मिल रही है, ये यहाँ पे इल्यूमिनेटेड आपको मिल रही है। सो भाई ओवरऑल जो सिटिंग था वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। अब ड्राइवर सीट पे मैं आपको इसकी ले चलता हूँ और ड्राइवर सीट पे देखिए कि क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो जैसे ड्राइवर ट्रिम आप ओपन करते हैं तो सेम आपको ये यहाँ पे मिलने वाली है। इस ड्यूल टोन का यूजेज आपको दिखाई देगा, हर जगह सॉफ्ट टच आपको दिया गया है। यहाँ पे ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, मिरर्स के एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल्स, या आपको सीट के एडजस्टमेंट और ये हीटिंग वेंटिलेशन के कंट्रोल, या आपको ट्विटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्पीकर दे दिया गया है, ये बोतल होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बूट ओपनिंग क्लोजिंग के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। और सीट्स जब आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेदर सीट्स आपको यहाँ पे मिलती है, तो इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। हर जगह आपको जो क्वालिटी है वो भाई बिल्कुल यहाँ पे फील होने वाली है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बेसिकली लाइट के कंट्रोल्स मिलेंगे और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है आपको यहाँ पे वो ऑफर कर दी गई है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये बैज जो है आपको लोगो यहाँ पे भी दिखाई देगा। ओवरऑल इनका जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। अब एक बार अंदर की तरफ इसके इंटीरियर्स जो हैं वो भी चेक कर लेते हैं। सो जो इंटीरियर्स है कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, प्रीमियम ज़रूर आपको यहाँ पे फील होगा। और हर जगह जो क्वालिटी यूज़ की गई है भाई वो टॉप नॉच लेवल की यहाँ पे क्वालिटी यूज़ की गई है। हर जगह सॉफ्ट टच आपको मटेरियल जो है देखने को मिलने वाला है। एम्बियंट लाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो टोटल 64 एम्बियंट लाइट आपको यहाँ पे मिलती है। अपने हिसाब से आप उसको जो है चेंज कर पाएंगे। स्टेयरिंग व्हील आप इसका देखेंगे तो आपको ये सर्कुलर स्टेयरिंग व्हील मिलता है, लेदर आपको यहाँ पे दिया गया है, और ये आपको वुडन फिनिश यहाँ पे मिलती है। इधर की तरफ मेबैक का बैज आपको मिलेगा, यहाँ पे मर्सिडीज का लोगो दिखाई देगा। ये आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इस म्यूज़िक सिस्टम के, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, तो सारी सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ से आप कर पाएंगे। होम पे जाना चाहें तो हर चीज़ का कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इधर की तरफ आपको सामने इस क्लस्टर के कंट्रोल जो हैं वो दिए गए हैं। इसका सारा जो सिस्टम है आप वो चेंज करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। असिस्टेंस में जाके अगर आप इसका मोड वगैरह जो है चेंज करना चाहें, इस डिस्प्ले को चेंज करना चाहें, तो वो सारे डिस्प्ले आप चेंज कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलता है लिमिटर के साथ में। यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स जो हैं वो ऑफर कर दिए गए हैं। और जब आप इसको ड्राइव और रिवर्स अगर करना चाहें तो इस लीवर का यूज़ करके आप इसको ड्राइव और रिवर्स पे कर पाएंगे। 12.5 इंचेस का स्क्रीन का साइज़ आपको ये दिया गया है, और 12.5 इंचेस का आपको ये इधर मिलेगा। 13 स्पीकर्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। एप्पल कार, एप्पल कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, एंड्रॉयड कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलेगी। तो ओवरऑल जो इसकी क्वालिटी है भाई वो काफ़ी अच्छी है। टच रिस्पॉन्स जो है वो अलग ही लेवल के हैं यहाँ पे इसका। आप अगर साउंड चेक देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल कारक्वेस्ट वन पे आप वहाँ पे चेक कर पाएंगे। ये आपको एसी वेंट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप और आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन। और ये आपको जो है यहाँ पे स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट दी गई है, तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आप इसको कर पाएंगे। ये आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं एसी के, क्योंकि यहाँ पे 4 जोन एसी मिलता है, तो यहाँ से अलग अलग एसी के कंट्रोल्स, एसी का टेम्परेचर जो है वो आप सेट कर पाएंगे। उसके बाद जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 C-टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। ये आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाएगा। इनका टेम्परेचर भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको ऑफर कर दिए गए हैं। इस ये आपको ट्रैकिंग पैड मिलता है, तो इसका यूज़ करके आप उस स्क्रीन को यूज़ कर पाएंगे। होम तो सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, वॉल्यूम के, नेविगेशन के लिए आपको कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा, फेवरेट का ऑप्शन, ये सब आपको यहाँ पे मिलता है। ये आपको यहाँ पे भी जो लोगो है वो दिखाई देगा। और कुछ एक कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये डाउनहिल स्टार्ट असिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, और इसका मैन्युअली आप एडजस्टमेंट करना चाहें सस्पेंशन की, तो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। यहाँ पे भी जो एम्बिएंट लाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जब यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको स्पेस ऑफर कर दिया गया है। एक सी टाइप पोर्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे देखते हैं, ग्लो बॉक्स का स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। ये बेसिकली आप यूनिट देख रहे हैं ना, ये एयर बैलेंस की यूनिट है,
तो साथ में आपको ये परफ्यूम मिल जाएगा, तो इस परफ्यूम को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद अपने हिसाब से ये मेंटेन करेगा कि कहाँ पे कितनी फ्रेग्रेंस जो है वो देनी है, ताकि आपकी पूरी गाड़ी के अंदर फ्रेग्रेंस जो है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे रहने वाली है, और कूलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको डबल जो है आपको ये वाइजर्स दे दिए गए हैं, तो इसको आप इधर की तरफ कर सकते हैं, उधर उसको उस तरफ आप कर पाएंगे। साथ में लाइट जो है वो भी आपको मिलती है। इधर आपको ये वैनिटी मिरर दे दिया गया है, सेम आपको ये ड्राइवर साइड भी ऑफर किया गया है। उसके बाद जब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कंप्लीट, यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स, एमरजेंसी और ब्रेक कंट्रोल आपको मिलेंगे, ये लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। अगेन ये लाइट्स आप देखें कि क्वालिटी इनकी किस तरह की है, और ये जब ग्लो करती हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी ये लगती हैं। यहाँ पे आपको ये IRVM जो है वो मिल जाएगा, डे नाइट IRVM यहाँ पे आपको ऑफर कर दिया गया है। अब एक मैं आपको इसका कमाल का फीचर दिखाता हूँ, क्योंकि ये हिप हॉप एडिशन है। तो हिप हॉप एडिशन में क्या है कि आपकी गाड़ी जो है वो डांस करेगी। भाई अभी डांस कराते हैं इससे। अभी मैंने इसको डाल दिया है ड्राइव पे, और उसके बाद मैं इसका जो मोड है वो ऑफ रोड कर देता हूँ, और उसके बाद मैं सेटिंग्स पे चला गया। इसका भी यूज़ कर सकते हैं यार। तो उसके बाद मैं सेटिंग में चला गया, और फिर मैं असिस्टेंस में चला गया, और असिस्टेंस में जाके मैंने ऑफ रोड असिस्टेंस किया और फ्री ड्राइविंग जो है वो किया, और यहाँ से इसको स्टार्ट किया। तो भाई ये देखो गाड़ी जो है वो अभी जंप कर रही है, भाई आपको दिख रहा होगा वीडियो में भी। तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो भाई ओवरऑल कुछ ये था इस कार के बारे में। अब बात कर लेते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में। सो अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं ऑफर किए गए हैं। 9 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, ABS ब्रेक्स विद EBD, रोल ओवर मिटिगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ये तो सारे बेसिक फीचर्स हैं। इसके अलावा जैसे ये जो अभी मेरे पास एडिशन यहाँ पे खड़ा है, ये हिप हॉप एडिशन है, तो यहाँ पे ई एक्टिव सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसको ई बॉडी कंट्रोल भी आप बोल सकते हैं। साथ ही क्रॉस विंड असिस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पे मिलेगा, पार्क असिस्ट आपको मिलता है, सामने भी सेंसर्स और रियर में भी सेंसर। तो काफी सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। सो अब बात करते हैं इस कार के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4 लीटर्स का इंजन मिलता है, V8 बाई टर्बो इंजन आपको मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 557 HP की, और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 730 न्यूटन मीटर्स का। ट्रांसमिशन जो है आपको 9G ट्रोनिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वारंटी की बात करें तो 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की यहाँ पे स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं सबसे मेन इस कार के प्राइजेस की। तो अगर आप रेगुलर GLS 600 कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए जो एक्सशोरूम आपको पे करना पड़ेगा 2.96 करोड़ पे करना पड़ेगा। अभी ये पर्टिकुलर व्हीकल है तो यहाँ पे 60 लाख की जो है वो एक्स्ट्रा लोडिंग हो रखी है। आप एक्स्ट्रा लोडिंग अपने यूजर्स के हिसाब से कितनी भी करा सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी उस पर्टिकुलर कार का जो एक्सशोरूम प्राइस है सेट हो जाएगा, और उसी के हिसाब से आपका जो ऑन रोड प्राइस है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आप मर्सिडीज़ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो बर्कले मोटर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से डीलर को कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस लग्जरी SUV पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।